टूट गया इंडिया गठबंधन, नीतीश केजरीवाल क्या करेंगे? ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। रास्ते में है राहुल, इधर ममता ने चुन ली अपनी राह। चुनाव आने से पहले ही ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया इंडिया गठबंधन। विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा देते हुए ये ऐलान कर दिया है कि टीएमसी अकेले लोकसभा चुनाव मैदान में उतरेगी। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहराने लगे हैं। ममता का ये फैसला विशेष रूप से कांग्रेस नेतृत्व की धड़कनें बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब दूसरी सहयोगी पार्टियां भी एकला चलो की राह ढूंढ सकती हैं। यह खबर ऐसी समय आई है जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले राहुल गांधी असम पहुंच चुके हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि ममता नाराज क्यों हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट एक साथ नहीं आना चाहते हैं। एक दिन पहले ही ममता ने कहा था कि अपमान के बावजूद मैंने एडजस्ट किया है। उन्होंने इंडिया गुट में लेफ्ट कंट्रोल को लेकर चिंता भी जताई थी। आज ममता ने यह कह दिया है कि कांग्रेस ने मेरे सभी प्रस्ताव नहीं माने हैं, इसलिए अकेले लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। ममता ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा की न जानकारी दी है न ही न्योता दिया है। बंगाल की सीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी से लड़ने के लिए जो करना होगा हम करेंगे। ऐसे में कुछ सियासी जानकार इसे ममता की प्रेशर पॉलिटिक्स भी बता रहे हैं। कांग्रेस भी जानती है कि बंगाल में टीएमसी का दबदबा है, उसे साथ रखने के लिए बातें माननी ही होगी। वहीं ममता बनर्जी के मना करने के बाद बीजेपी की प्रवक्ता नलिनी कोहली ने तंज कसा है कि राहुल गांधी यात्रा को लेकर निकले हैं और ममता जी से कोई बात ही नहीं हुई है तो गठबंधन कहाँ है। ऐसे में यह तो होना ही था, ये राजनीति दल केवल मोदी विरोध में उतरे हैं। इनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है, इनका न कोई नेता है न कोई ऑफिस है। अब बिहार में भी कन्फ्यूजन होने लगा है। कन्फ्यूज की स्थिति में जेडीयू ने यहाँ तक कह दिया है कि बिहार की सीटें शेयरिंग जेडीयू और आरजेडी फाइनल करेगी और लालू की पार्टी आगे कांग्रेस से बात करेगी। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार खुद कहीं एनडीए की नाव में सवार न हो जाए। गृह मंत्री अमित शाह के रुख में नरमी, फिर कबीर ठाकुर को भारत रत्न देकर फैसला कहीं ना कहीं बड़े खेले की तरफ इशारा करता है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं यूपी में सब ठीक नहीं है। 80 में से 70 और 72 सीटों पर सपा ही चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस को केवल 4-5 सीटें देने की बात हो रही है, जबकि यूपी कांग्रेस नेता दिल्ली आकर कम से कम 17 से 18 सीटों पर लड़ने की मांग कर चुके हैं। अखिलेश यादव एमपी चुनाव के अनुभव से पहले ही नाराज हैं। ऐसे में यूपी में आसानी से सीटों का समझौता कैसे हो सकता है, ये भी संयम बना हुआ है। यूपी में अब तक कोई भी फॉर्मूला नहीं बना है। वहीं 2 दिन पूर्व भी अखिलेश जी नाराज होते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की यात्रा का न्योता उन्हें भी नहीं दिया गया है। इससे इंडिया गठबंधन की अटकलें और तेजी होती हुई दिखाई दे रही हैं।